मूल साथी अगर आ रखे जितने भी लोग बैठे हैं सबको मेरा प्रणाम, जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद। और ये बहुत ही अच्छा मौका हुआ, मैं तो आने के लायक ही नहीं थी, अभी मेरा ऑपरेशन हुआ था। ये भगवान की महिमा और तुम लोगों का प्यार जो मैं आ गई, मेरा तो तीर्थ यात्रा हो गया, बड़ी भाग हो गई मेरे तो। और मैं बहुत खुश हूँ अपने परिवार को देख के, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, सबका भला हो। सभी भाइयों ने हमारा उनका साथ दिया है, हमारे साथियों ने हमें, जैसे हम घर में हमारे माता पिता हमारी सेवा नहीं करते हैं, उससे भी अच्छा उन्होंने साथ दिया यहाँ पर। और ये हमारे सभी भाई हम मिल करके रहते हैं, अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को कि हम एक घर के निवासी हैं, हम एक घर के। छूटने से हमें बुरा भी लगेगा, कुछ दिन का बुरा लगेगा, उसके बाद देख लेगा। सभी लोगों को धन्यवाद, छोटे बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटे को मेरा आशीष। मैं आज ये चौथी तीर्थ यात्रा में हमारे हरी जोशी जी के साथ चौथी बार तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ। हमें इस तीर्थ यात्रा में आने में बहुत खुशी हुई, और सबसे ज़्यादा खुशी उन अपने भाइयों से हुई जिन लोगों ने हमें सुबह शाम दोनों टाइम भोजन करवाया और मेहनत की। मैं उन लोगों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही हरिचंद जोशी जी जो हमारे साथ में हैं, हमारी तीर्थ यात्रा के हेड बॉस हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारी जो ये सोनू भाई हैं और हमारे और भाई लोग हैं, उन लोगों को सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसी यात्रा हमने बाहर तो बहुत कुछ देखा, लेकिन यात्रा में ऐसा कभी नहीं देखा जो हमने इस चार यात्राओं के दौरान देखा है। बहुत अच्छी यात्रा रही, बहुत सुखद यात्रा रही, ऐसे ही आगे को चलते रहें, बहुत अच्छा रहेगा। खुश रहो, खुशहाल रहो, जय हो, कल्याण हो, आत्माओं से भरपूर रहो, यहाँ रहो, घर में रहो, आबाद रहो, आबाद रहो। मेरे तो हजरत आने लगी, मेरे उन्होंने भी साथ दिया मेरा, कि मेरे साथ आए और भगवान से भी बहुत अच्छे थे जो हमें लाए यहाँ, हमारी मतलब भाग के यहाँ के गाड़ी से, बच्चे भी हमारे साथ दिया कि कहीं हमें छोड़ा नहीं, पीछे से भी आगे से भी लगे रहे, बहुत गर्व है कि हमको ऐसे बच्चे मिले, ऐसे बेटे मिले। जो हम अपने परिवार जनों के साथ कर रहे हैं, इसमें जब मैं शुरू में घर से चला था, मैं बड़ा हेल्पलेस टाइप का था, क्योंकि मेरे मिसेज की जो कंडीशन है, न बैठ पाती है, न गाड़ी में चल पाती है, तो मैं बड़ा नर्वस टाइप का था उस समय। तो मैंने कहा कहीं रास्ते में कैसे परेशानी हो जाए, लेकिन ये तीर्थ यात्रा का ही सतर्क है, या ये गंगा सागर जितने भी तीर्थों का हमने भ्रमण किया है, ये इनकी ही अनुकंपा है। मैं सकुशल अपनी यात्रा पूर्ण करके अपने गंतव्य स्थान को लौट रहा हूँ। इसमें सभी लोगों का सहयोग, जैसे हमारे जो यात्रा के संचालक हैं, हमारे पायलट हैं और परिचालक हैं, और ये भोजन व्यवस्था वाले हैं, सभी का अच्छा सहयोग रहा। इसी के साथ मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि ये यात्रा ऐसा अनुभव, संघे शक्ति जिसको कहते हैं, संघे शक्ति, संघ की शक्ति क्या होती है, ये हमको इस यात्रा से महसूस हुआ। ये हमारे दीप शाह जी जो कि हमारे अल्मोड़े किसान, और अब ये कहेंगे कि इनको यात्रा में कैसा लगा। यात्रा इतनी आनंददायक रही कि यात्रा के बारे में कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं अपने पायलट साहब को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमारी यात्रा को इतना सुगम बनाया कि हमें ये पता ही नहीं लगा कि हम गाड़ी में बैठे हुए हैं। दूसरा, हमें जो हमारे साथ के लोग हैं, इतना इनका सहयोग मिला कि आंखों में आंसू आ गए, क्या बोलूं मैं चाहे। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जो यात्रा के पर मुख्य संयोजक हैं हरीश जोशी जी, इनका ऐसा व्यवहार है कि हर एक को ये गाड़ी में खुश रखते हैं हमेशा, किसी को दुख नहीं होने देते हैं, किसी को कुछ तकलीफ नहीं होने देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है हरीश जोशी जी में कि इतना ही कुछ हो जाए, ये कभी अपना आपा नहीं खोते हैं,
तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी यात्रियों के सहयोग के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।